पुलिस अधीक्षक राजकीय रेलवे पुलिस अनुभाग गोरखपुर के कुशल निर्देशन में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक अजीत कुमार सिंह थाना जीआरपी गोरखपुर व उनकी कुशल टीम द्वारा एक व्यक्ति सुभान अल्लाह कुरैशी पुत्र अब्दुल हमीद कुरैशी निवासी देवकली गोपालपुर थाना गोला जनपद गोरखपुर को बीते 25 सितंबर को रेलवे स्टेशन गोरखपुर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 108 ग्राम नशीला पदार्थ, भारतीय दंड विधान से संबंधित चोरी किए गए पिट्ठू बैग, साथ ही उसमें रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस्तेमाल कपड़े आदि बरामद किए। पकड़े गए अभियुक्तों पर अपराध NDPX एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने भिन्न भिन्न ट्रेनों व रेलवे स्टेशनों पर विगत वर्षों से चोरी की घटना को अंजाम देने की बात को स्वीकार किया और यह भी बताया कि वह चोरी का काफी सामान अपने घर पर रखा है। कल 2 बजे दिन के आसपास, 1 बजे वहाँ पर पाली के जाने का टाइम था, उस समय किसी मुखबिर ने सूचना दिया इंस्पेक्टर GRP और RPF इंस्पेक्टर को, एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार डिब्बू में घुस रहा उतर रहा है, उस समय में नहीं आ रहा। फिर तत्काल उसको चेक किए, उसके पास से एक बैग को मिला हरे रंग का, जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स, किताब कापी और सर्टिफिकेट वगैरह थे। वो बैग मौके पर मिला उसके पास से, वो बैग परसों उसने चुराया था देवरिया से, बरौनी कटिहार से। तो इसके पास से अपना जो फार्म मिला, जो नस्ली दवाएँ पाउडर खिला कर यात्रियों को लूटते हैं वो मिला। उसके बाद इससे जब गहन पूछताछ की गई तो बताया साहब हम करीब 2-3 साल से ट्रेनों में अकेले चोरी करते हैं और बैग वगैरह तमाम सामान कपड़े हमारे घर पर पड़े हुए हैं। इसका नाम है सुभान अल्लाह कुरैशी पुत्र अब्दुल हमीद कुरैशी, ग्राम देवकली, थाना गोला, जिला गोरखपुर। फिर टीम यहाँ से पूरी फोर्स वहाँ गई, इसके घर की तलाशी ली गई, तो उसमें 74 अदद बैग मिले, जिसमें 7 अदद ट्राली बैग हैं, 3 सेट सूटकेस हैं, 46 पिट्ठू बैग हैं और 18 सामान्य बैग हैं और कम से कम आधा दर्जन आधार कार्ड लोगों के मिले हैं, 3 आदमियों के पासपोर्ट मिले हैं और ये इनकम टैक्स कार्ड जो होता है ये कम से कम आधा दर्जन है, चेकबुक मिले हैं, DL मिले हैं। अब उन DL-ों के और कागजों के आधार पर अब इससे कहना है कि हम 2-3 साल से हमें याद नहीं किस ट्रेन में कौन सी चोरी की, हमने 1-2 चोरी तो की नहीं है कि इसको याद हो। तब जो कागजात मिले हैं उनके आधार पर हम ट्रेस करेंगे पता करके, क्योंकि उसमें पते हैं, आधार कार्ड में पता है, इंटरनेट पे पता है, चेकबुक में पता है कि कहाँ की घटना है, कि कौन आदमी से प्रभावित है, उससे संपर्क करेंगे विवेचना के क्रम में, फिर इसको लिंक करेंगे। ये करीब जो सामान बरामद हुए इसके घर से, इसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपये है और ये बहुत बड़ा साथी चोर है, ये अकेले चोरी करता था। सर अपनी टीम को इनाम की भी घोषणा है इस टीम को, हमारी पुलिस अधीक्षक महोदय तो नहीं है, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाए।